हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों का शेयर करने वाली हूँ एक क्लचर की मदद से ब्यूटीफुल सा हाई बन हेयर स्टाइल। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा, सिर्फ एक क्लचर से बना रही हूँ। हाई बन है तो आप वेस्टर्न ड्रेस पे भी इसको ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। गर्मी का टाइम चल रहा है तो आजकल ओपन बाल रखना किसी को पसंद नहीं होगा। गर्मी में हम खुले बाल रखते हैं तो वो काफ़ी इरिटेटिंग होता है, तो हम ऐसे भी ढूंढते हैं कि कुछ अच्छा सा इजी सा मिल जाए जो कि हमारे लुक को भी अट्रैक्टिव और खूबसूरत दिखाए एंड हम कंफर्टेबल भी रहें उस हेयर स्टाइल के साथ, अपने ड्रेस के साथ। तो ये हेयर स्टाइल जो है वो आप ऑल ड्रेस के साथ ट्राई कर सकते हो, इंडियन वेयर, वेस्टर्न वेयर एंड जींस टॉप कुर्ती सबके साथ आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपने बालों को एक हाई पोनीटेल बनाना है। और मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट देखने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप जाकर वहाँ पे क्लिक करके इजीली वहाँ तक पहुँच सकते हो और लेटेस्ट वीडियो का वीडियोज़ को देख सकते हो। जरूर जाइएगा, इंस्टा आई डी @preetwhite24 है, तो वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे मेरी रील्स वीडियो अपडेट होते रहती है। सेकेंड चैनल पे ब्लॉग वीडियो डालती रहती हूँ, तो वहाँ पे भी जाके फॉलो कर लीजिएगा। सब चीज़ों का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप जाके ईजिली, आपको कहीं जाके कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ईजिली आप लिंक पे क्लिक करके वहाँ तक पहुँच सकते हो। अगर आपको हाई पोनीटेल बनाने में दिक्कत होती है तो इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको सिर को थोड़ा सा नीचे झुकाना है एंड कॉम करके ईजिली आप हाई पोनीटेल बना सकते हो। ओके, ये हेयर स्टाइल जो है वो सिर्फ क्लचर से भी बन सकता है, बट आप अगर बिगिनर्स हो, आपको हेयर स्टाइल बनाने में दिक्कत आती है, तो आप एक पोनीटेल बना लीजिएगा पहले। और कहीं बाहर जा रहे हो तो आप चाहोगे कि आपका जो हेयर स्टाइल है वो जल्दी ना खुले, लॉन्ग लास्टिंग रहे, तो इसके लिए मैं एडवाइस करूँगी कि आप पोनीटेल ज़रूर बनाइएगा। पोनीटेल बनाने के बाद से अपने बालों को हल्का हल्का खींच लेंगे, जिससे कि हमारे बालों में बहुत ज़्यादा फ्लैटनेस ना दिखे, थोड़ा सा वॉल्यूम दिखे बालों में। इस तरीके से करने के बाद से क्लचर को इस तरीके से ओपन करेंगे और इस तरीके से लगाना है, देखिए ध्यान से, और इस तरीके से सिंपली क्लचर को रबड़ बैंड के ऊपर लगा देंगे। हेयर को इस तरीके से खींचेंगे और ये जो हेयर है इसको बैक साइड में ले जाएंगे एंड क्लचर को थोड़ा सा ओपन करके उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। और ये हमारा ब्यूटीफुल सा हाई बन बनके रेडी हो गया है, जो कि बहुत ईजी है। एक तो यूपिन ऐड कर दीजिएगा अगर आप कहीं जा रहे हो शॉपिंग वगैरह के लिए, तो लेस निकालनी है तो आप पहले निकाल लीजिएगा, हो सकता है कि हेयर स्टाइल बनाने के बाद अगर आप निकालते हो तो आपका जो हेयर स्टाइल है वो ख़राब हो जाए, बट मैं हमेशा हेयर स्टाइल बनाने के बाद ही निकालती हूँ, बट ये गलती मत कीजिएगा। तो ये था आज का ब्यूटीफुल सा हाई बन हेयर स्टाइल, वो भी सिर्फ एक क्लचर की मदद से। ऑल ड्रेस टाइप के लिए है ये, जहाँ भी आपको लगे कि यूपिन्स की ज़रूरत है वहाँ पर ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि आप मार्केट वगैरह जा रहे हो तो आपका हेयर स्टाइल जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहना चाहिए। तो कैसा लग रहा है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बैक से कुछ इस तरीके का लुक आएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।